एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर शिवानी ड्रीम लाइफ। होप गाइस आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे और हेल्दी होंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मास्क ज़रूर पहनिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, घर पे रहिए, बिना वजह बाहर मत जाइए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, अपनी फैमिली को भी सेफ रखिए। और मैं हूँ, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा ही है, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना 24 आवर्स पैम्परिंग रूटीन। सो गाइस, जैसे कि सबको पता है, इस पूरे लॉकडाउन में, पूरे कोरोना पैंडेमिक में हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं और सेफ भी नहीं है हमारे लिए बाहर जाना। तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही अपने लिए टाइम निकाला जाए, खुद को पैम्पर किया जाए और खुद के लिए कुछ किया जाए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो बहुत सारी बातें मैं करती रहूँगी आपके साथ, पूरी वीडियो में पूरा एक वीडियो कम व्लॉग रहेगा और मेरे साथ ऐसे ही पूरा बने रहिएगा। वीडियो को एंड में, लास्ट में पसंद आए तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी वीडियो के सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले जब मैं अपलोड करती हूँ। तो फिर चलते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। गाइस, अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना 24 आवर्स पैम्परिंग रूटीन और अभी बज रहे हैं रात के 8 बज रहा है और अभी मैं ऑयलिंग करवाऊँगी सबसे पहले, क्योंकि ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद नाइट का स्किन केयर कर लेंगे। रात में स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हेयर को नरिशमेंट बहुत ज़रूरी है, तो मैं रात में ऑयलिंग करके सो जाऊँगी, फिर मॉर्निंग से कंटिन्यू अपना पैम्परिंग रूटीन स्टार्ट करूँगी। क्योंकि आज है सैटरडे, कल है संडे, तो कल मेरा ऑफ रहेगा और कल मैं अपना पूरा दिन खुद को दूँगी और खुद के लिए टाइम निकालूँगी और खुद को पैम्पर करना है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, मुझे कोई लीव नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिल पा रहा था, तो मैं खुद को एकदम टाइम नहीं दे पा रही थी, ना बॉडी केयर, ना हेल्थ केयर, ना स्किन केयर, ना कुछ भी, डाइट वगैरह कुछ भी नहीं हो पा रहा था और स्किन केयर तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा था, हेयर केयर की तो बात ही छोड़िए। तो अभी मैं जा रही हूँ हेयर में ऑयलिंग करवाऊँगी और ऑयलिंग करवाने के बाद थोड़ा सा टाइम लेके फिर स्किन केयर नाइट का कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको मिलूँगी मॉर्निंग में और मैं सब धीमे धीमे आपके यहाँ शेयर करूँगी। Low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna. So, अभी मेरी हेयर ऑयलिंग हो गई है और अभी मुझे 5-10 मिनट हुआ है और ये पैम्पर रूटीन मैं कल 24 आवर्स तक कंप्लीट करूँगी। तो अभी मैं कुछ नहीं करने जा रही, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि ओपीडी करने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है मुझे। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं रात में सोने से पहले अपना स्किन केयर करूँगी, वो भी आपके शेयर करूँगी। तो फिर अभी हम चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। ऑयलिंग हो चुकी थी और अभी मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे हिमालया का ये ऑयल कंट्रोल लेमन फेस वॉश और ये एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है फेस से, आपके फेस को अच्छे से क्लींस करता है और लेमन है तो वैसे भी आपको पता है कि जितने भी टैनिंग है उसको रिमूव करेगा प्लस आपके स्किन को हाइड्रेट करेगा। तो अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये गुड वाइब्स का टोनर और इसको मुझे अच्छे से स्किन पे आप लगा सकते हो डायरेक्टली स्प्रे करके, या भी आप अपने हाथ में लेके या कॉटन स्वैब में लेके अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो, नेक एरिया पे अप्लाई कर सकते हो और इसको मैं लगाने के बाद हल्का सा एब्जॉर्ब करने के लिए छोड़ूंगी ताकि ये स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये अंडर आई क्रीम और ये है VLCC की, ये दिख रही होगी आपको, और VLCC नेचुरल साइंस ऑलमंड अंडर आई क्रीम और ये ऑल स्किन टाइप है, स्किन डिफेंस के लिए है और इसको मैं अपने जो अंडर आई एरिया है यहाँ पे लगा लूँगी अच्छे से। ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले स्किन पे, आपको लगा के थोड़ी देर के लिए मसाज करके छोड़ देना है ताकि आपके डार्क सर्कल वगैरह हैं वो नाइट में अच्छे से इन्हेंस होके अच्छे से मतलब एब्जॉर्ब कर ले स्किन पे ये, ताकि उस पर अच्छे से इफेक्ट बन जाए। और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ नाइट में ये है मेरा NYBay का ग्लोइंग एंड ब्रॉडवे क्वीन विटामिन सी एंड विटामिन B3 फेस सीरम। मैं इसको अराउंड 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, कभी मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ, कभी मैं नाइट में कर लेती हूँ और इसको मैं अच्छे से स्किन पे लगा लेती हूँ और जेंटली मसाज करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो उसको मैंने अच्छे से स्किन पे लगा लिया है
और इसको एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दीजिए आप अपनी स्किन पे अच्छे से। मैं यूज़ कर रही हूँ ये वादी का ब्लूबेरी लिप बाम, और इसको मैं हल्का सा लगा के, क्योंकि इस टाइम पे सीज़न चेंज हो रहा है तो लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, और रात में आप लगा के सो जाओ तो बहुत ही अच्छा इसका वो रहता है इफ़ेक्ट। तो मैंने ये लगा लिया है, और ये होता है मेरा कंप्लीट नाइट स्किन केयर। इसको मैं मॉर्निंग में भी करती हूँ, कभी कभी नाइट में भी करती हूँ, और अभी मैं कुछ नहीं करने जा रही हूँ। अब मैं आराम से रिलैक्स करूँगी और पीऊँगी काढ़ा और थोड़ा सा हल्दी वाला दूध। अब मिलूँगी मॉर्निंग में, अपना पैम्परन रूटीन आगे कंटिन्यू करूँगी। तो फिर अभी चलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट और मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक अगेन। और मेरी तो आँखें नहीं खुल रही है अभी, मैं जस्ट अभी उठी हूँ और आज संडे है जैसे मैंने आपको बताया था, और अभी सुबह के बज चुके हैं साढ़े आठ यस बच्चों का है। और अभी मैं जस्ट उठी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ, मैं पी रही हूँ वार्म वाटर। और वार्म वाटर आपको पता है कि बहुत ज़रूरी है और हमें मॉर्निंग में ही पीना चाहिए। सबसे पहले आप सुबह उठ के अगर आप एक गिलास या एक कप गर्म पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है। तो अपनी हेल्थ का भी मुझे ध्यान रखना है, स्किन का भी ध्यान रखना है, और सब बॉडी का भी, हेयर का भी, सबका ध्यान रखना है। तो इस 24 आवर्स में मैं सब कुछ ट्राई कर रही हूँ कि सब कुछ अच्छे से करूँ और अपनी बॉडी को एक 24 आवर्स के लिए हेल्थ और वेल्थ प्रोवाइड करूँ। तो फिर अभी हम चाय पियेंगे और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि नहाने से पहले मैं क्लीन अप कर लूँ, क्योंकि क्लीन अप मैंने अराउंड 2 महीने पहले किया था। मैं घर गई थी, आपको याद होगा होली में घर गई थी, तो मैंने होली में व्लॉग बनाया था, और उसके बाद मुझे याद है कि मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया है, और ये व्लॉग मैं वीडियो के साथ ही बना रही हूँ आज आपके साथ। और तब से मैंने कोई क्लीनअप कुछ भी फेशियल वगैरह नहीं किया है, तो मैंने तभी किया था। और थ्रेडिंग वगैरह भी करनी है, तो बाहर तो उस टाइम पर नहीं जाएंगे, बाहर करा भी नहीं सकते हैं और सेफ भी नहीं है किसी के लिए। तो मैं सब कुछ सोच रही हूँ घर पे करूँ, तो मैं सोच रही हूँ क्लीनअप के साथ साथ थ्रेडिंग वगैरह भी और ये सब चीज़ें, ग्रूमिंग वाला, अपना जो फीमेल ग्रूमिंग वाला जो पार्ट है वो मैं सोच रही हूँ आज कर लेती हूँ। आपके साथ दिखाती रहूँगी, आपके साथ ही बनी रहूँगी, आप भी बने रहिएगा मेरे साथ। तो फिर अभी हम पहले सबसे पहले चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद हम सोच रहे हैं क्लीनअप स्टार्ट करें, क्योंकि पूरा टाइम है, आराम से होता रहेगा। फिर चुका है क्लीनअप करने का, और ये मेरा सबसे पहले, मैंने सोचा कि क्लीनअप ज़रूरी है करना, तो पहले वो कर लेते हैं। फेस वॉश मैंने कर लिया था पहले ही, तो अभी मैं करने जा रही हूँ क्लीनअप। साथ ही साथ आप देख सकते हो ये हल्के से थ्रेडिंग वगैरह आ गई है, इसको मुझे रिमूव करना है, तो ये भी सोच रही हूँ साथ ही में कर लेती हूँ, क्योंकि पैक लगाने के टाइम पे फिर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। पैक का मैं पहले पील ऑफ मास्क लगाऊंगी, देन मैं दूसरा कुछ यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं अभी करने जा रही हूँ अपने फेस को स्क्रब, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये मामा अर्थ का, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का कोको फेस स्क्रब विथ कॉफ़ी एंड कोको। ये होता है फॉर रिच एक्सफोलिएशन, ये पैराबेन फ्री है, एसएलएस फ्री है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है और ऑल स्किन टाइप्स है, तो इसको आप अच्छे से अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट्स करता है, डेड स्किन रिमूव करता है, पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। अराउंड में 4 to 5 months से मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे होते हैं, और पैराबेन फ्री तो है ही है। तो पहले स्क्रब कर लेते हैं। स्क्रब करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि मैं अराउंड, मुझे 2 महीने से मैंने कुछ नहीं किया है, तो मैं पहले इसको जेंटली अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी और 5 मिनट तक इसको लगा के छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं मसाज स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जितना भी इसमें इसका जो एप्रिक मतलब जो कोको और उसका जो एक्सट्रैक्ट है कॉफ़ी का, तो वो मेरे स्किन पे अच्छे से स्किन अब्जॉर्व कर ले, उसके बाद मैं मसाज करूँगी तो उसका इफेक्ट अच्छा होता है। तो आप भी कभी कभी ये ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। मसाज करने से पहले अगर आप 4-5 मिनट छोड़ दो उसको लगा के, तो उसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा होता है। तो अभी मैं स्क्रब को ऐसे नॉर्मली लगा दे रही हूँ और लगा के थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दूंगी लाइक दिस। तो अभी मैं इसको लगाती हूँ और 4 to 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देती हूँ ऐसे ही। सो अभी मुझे 4 to 5 मिनट्स हो गए हैं और अभी हम इसमें 5 मिनट तक मसाज करेंगे।
आप एकदम सॉफ्ट फिंगर से मसाज करना, क्योंकि बहुत ही हार्श आप मसाज मत करो स्किन पे, क्योंकि हमारे स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, आप उस पर जेंटली प्रेशर दे दोगे बहुत ज्यादा तो स्किन पे रैशेस पड़ने के चांसेस हो सकते हैं और वो हमें नहीं करना चाहिए। तो अभी हम उसको जेंटली मसाज कर लेते हैं अच्छे से। तो अभी मैंने स्क्रब को वॉश कर लिया है, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा थ्रेडिंग वगैरह भी करना है। आप चाहो तो इसको नॉर्मली भीग गया है तो उसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, एक्चुअली मुझे कल कट लग गया था और ये देखिए उसकी वजह से मुझे बहुत पेन हो रहा था, बट अभी वो भीग गया है। तो हाँ मैं क्या कह रही थी कि आप इसको वाइप भी कर सकते हो क्लीनअप में, बट मुझे हल्का सा अभी साथ ही साथ में थ्रेडिंग भी कर लूंगी, हल्का सा शेव इसको करना है, तो इसी वजह से मैंने वॉश कर लिया है। अच्छे से पहले पोंछ लेती हूँ और फिर मैं साथ ही साथ सब कुछ अभी कर लूंगी, क्योंकि फिर बाद में अलग से नहीं करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ, एक्चुअली ये भी मैंने भी ऑर्डर किया हुआ है, आपको मैंने भी हॉल नहीं दिखाया है, हॉल आएगा शायद इस ब्लॉग के पहले या बाद में, मुझे याद नहीं है, तो जैसा आएगा। तो मैंने इसको लिया है शेव करने के लिए, आप जेंटली अच्छे से को शेव कर सकते हो। आप देख सकते हो पहले से बहुत ज़्यादा इसमें अच्छे से हो गया है। जा रही हूँ वाव का ये एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क, और ये है एक्टिवेटेड बैम्बू चारकोल इसमें है और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स हैं, और ये स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, ब्लैक हेड्स रिमूव करता है, जो एजिंग के साइंस होते हैं इनको रिमूव करता है। और इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए ये है कि यहाँ पे इनका बारकोड मिलता है और आप इसको स्कैन जब करोगे तो आपको इनके साइट पे जाके आप इनके सारे प्रोडक्ट चेक कर सकते हो कि जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं कि कभी कभी क्या होता है कॉपी आ जाते हैं, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि इनके पास इनकी खुद का टैग है और आप इसको स्कैन कर सकते हो। इनकी साइट पे सीधे ये लिंक ओपन होता है और इनके सारे प्रोडक्ट्स ओरिजिनल हैं और कितने के हैं क्या रेट है सब कुछ आपको वहाँ पे जाके पूरी साइट पे दिख जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और वाओ के सारे प्रोडक्ट्स आपको पता है कि बहुत अच्छे होते हैं, और ये भी मैं मामा अर्थ के टाइम से ही यूज़ कर रही हूँ, इवन शायद उससे पहले से कर रही हूँ। तो अभी हम लगा रहे हैं ये पील ऑफ मास्क, ये भी बहुत ज़रूरी है गाइस, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है और आप बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाते हो तो जल्दी से आप क्लीनअप करने के लिए बहुत इजी ऑप्शन होता है ये सब चीज़ें करना। तो मैं संडे को अच्छे से यूटिलाइज़ कर रही हूँ अपने लिए आज इन सब चीज़ों को करने में। वैसे मेरी बेटी मेरी मेट के पास है, वो उसके पास है तो मैं कर पा रही हूँ, नहीं तो अगर वो नहीं होती तो मैं पूरा टाइम अपनी बेटी को देती हूँ, चाहे वो संडे हो चाहे सैटरडे या कोई भी दिन हो। तो फिर आज मुझे टाइम मिला है तो मैं अपना सारा मेकओवर करती हूँ। इसके बाद नहाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि बैक वगैरह नेक वगैरह ना खुद से नहीं हो पाता है क्लीन, तो मैं सोच रही हूँ कि वो भी आज कर लूँ और अपनी मेट की हेल्प से लेके मैं उसको भी क्लीन कर लूँ। थोड़ा सा बॉडी को भी ध्यान देना पड़ता है बट नहीं हो पाता ना, खुद से तो उतना आप नहीं कर सकते हो और फिर जल्दी के टाइम पर नहीं कर पाते, तो सोच रही हूँ कि वो भी करवा लेती हूँ उससे। बैक स्क्रब बॉडी स्क्रब भी बहुत ज़रूरी है गाइज, आपको वो भी करना चाहिए, तो वो तो शायद अगर मुझे टाइम मिला तो आज मैं करूँगी, शाम तक मुझे टाइम मिल जाएगा, और नहीं मिला टाइम तो फिर नेक्स्ट टाइम कभी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आज सारा ही अपने आप को एकदम चेंज कर दूँ ना, लाइक इस टाइप का 24 आवर पैम्परिंग रूटीन मैंने सोचा है तो 24 आवर्स तक मुझे करना ही करना है। बट इसमें डाइट भी है गाइज, डाइट है, हेल्थ है, मेरी स्किन केयर बॉडी केयर फिटनेस सब कुछ है। तो हाँ फिटनेस से मुझसे याद आया कि मैंने ये लगा लिया है, मैंने स्केपिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया है घर पे करना, क्योंकि बाहर हम नहीं जा सकते और जिम वगैरह में जाना मुझे टाइम ऐसे भी नहीं मिल पाता था, तो मैंने घर पर स्केपिंग शुरू कर रही हूँ। तो अभी इसको 10 to 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता है। सो गाइज आई एम हेयर आफ्टर 35 मिनट्स और मुझे इसको ट्राई करने में टाइम लग गया था,
तो तब तक मैं और घर के काम वगैरह कर रही थी, तो अभी मेरा ये अच्छे से ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हो। तो उसको मैं रिमूव कर लेती हूँ और इसको अच्छे से क्लीन हो गया है। और ये मास्क मैंने लगाया था, लेकिन ये हल्का सा स्किन को ड्राई करता है, तो मैं उसके लिए अभी यूज़ कर रही हूँ एक और ये ब्लैक मड शीट मास्क, और इसको भी मैं अभी स्किन पे अच्छे से लगा लूँगी ताकि अच्छा सा नरिशमेंट भी स्किन को मिल जाए। और ये नायका का है, आपको नायका पे अच्छे से अवेलेबल होता है, वो 99 रुपीज़ का मिलता है। कभी कभी ऑफर होते हैं तो बाय 5 गेट 5 का ऑफर मिल जाता है, बाय 3 गेट 3 मिल जाता है। तो ये शीट मास्क है, आप इसको ट्रेवल में भी ले जा सकते हो अगर आपको नॉर्मली क्लीनअप नहीं करना है, आपको स्किन पे हाइड्रेशन चाहिए और हल्का सा ग्लो चाहिए, तो भी आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हो। और अगर आप मेकअप वगैरह कर रहे हैं और उसके पहले आपको कभी ग्लो चाहिए तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, उसके लिए बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। तो मैं इसको अभी अपनी स्किन पे अप्लाई कर लूँगी और 15-20 मिनट्स इसको भी छोड़ूंगी लगा के, उसके बाद जेंटली मसाज करनी है। इसके अंदर आपको इसका जो ऑयल होता है वो भी एक्सेस मिलता है, ताकि आप उसके बाद भी इसको यूज़ करके मसाज कर सकते हो। तो अभी मैं इसको अप्लाई करती हूँ। और इसको मैं सो गाइस, अभी 20 मिनट्स हो चुका है और ये देखिए आप पूरा अच्छे से सोख कर लिया है, और इसको मैं अच्छे से रिमूव कर दूंगी। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मसाज कर लेती हूँ उसको, क्योंकि स्किन को अंदर अच्छे से अब्जॉर्व कर ले तो बेटर होता है हमारे लिए। मसाज करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये जेड रोलर, इसका भी मैंने इसका शॉपिंग हॉल आपके यहाँ शेयर किया होगा, नहीं किया है तो वो कुछ दिनों में आ जाएगा। और इससे आप जेंटली अच्छे से मसाज कर सकते हो। तो अभी मेरा हो गया है क्लीन अप डन, और आप देख सकते हो पूरा स्किन पे जितना भी ऑयल था अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है और अब क्लीन अप मेरा डन हो चुका है। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा, तो मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और वीडियो में साथ ही बने। सो गाइस, अब टाइम है ब्रीदिंग का, और ब्रीदिंग के साथ साथ मैं हेयर वॉश भी करूँगी, क्योंकि कल मैंने ऑयलिंग करवाई थी और मुझे अभी थोड़े से ट्रिमिंग भी करनी है, हेयर को थोड़ा सेट भी करना है। थोड़े से बड़े हो गए हैं, मैं छोटे हल्का शॉर्ट करने के लिए, बट ठीक है, वैसे मैं शॉर्ट ही रखती हूँ, हेयर कभी कभार लॉन्ग भी हो जाते हैं। और अभी मैं हेयर वॉश करूँगी, इसके लिए मैं यूज़ करूँगी मैट्रिक्स का ऑप्टिक केयर स्मूथ स्ट्रेट प्रोफेशनल अल्ट्रा स्मूथिंग शैम्पू शेयर बटर वाला, और साथ ही साथ मैं कंडीशनर भी यूज़ करूँगी, वो है मेरा ये इसी का सेम रेंज में है, ऑप्टिक केयर अल्ट्रा स्मूथ कंडीशनर शेयर बटर वाला। तो मैं इससे अच्छे से मसाज करके शैम्पू करूँगी, फिर मैं बेदिंग करके हेयर वॉश करके थोड़ी देर में आपको मिलती हूँ। मैं अभी नहा के आ चुकी हूँ और आपने देखा होगा क्लीनअप का भी अच्छा सा इफेक्ट हो चुका है, और अभी जल्दी से स्किन केयर कर लेते हैं क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी मैं आपकी स्किन पे अप्लाई कर रही हूँ ये न्यूट्रोडर्म का मॉइस्चराइज़र, और गाइस न्यूट्रोडर्म का मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा है, इसमें है विटामिन ई, और ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। और मैं इसको अराउंड 3 या 4 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छे से स्किन पे अब्जॉर्व कर लेता है स्किन पे। और ये ऑल स्किन टाइप्स है, आप किसी पे भी कोई भी स्किन हो आपकी आप सब पे यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैंने जल्दी से मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, सनस्क्रीन अभी नहीं लगा रही हूँ मैं, क्योंकि अभी हो गई है शाम, और शाम तो नहीं हुई है बट हाँ मुझे नहाते नहाते एक से 1.5 घंटा हो गया, तो अभी बज रहा है 1.5 या 2 बज रहा होगा, तो फिर इसीलिए अभी मैं यूज़ कर रही हूँ जल्दी से मामा अर्थ का स्किन करेक्टर फेस सीरम। और मैं सीरम ज़्यादा यूज़ करती हूँ इस टाइम पे अराउंड 5 to 6 मंथ से, जब से मेरी पोस्ट प्रेगनेंसी मैंने चीज़ें अपना स्टार्ट किया हुआ है, प्रेगनेंसी के बाद तब से मैंने सीरम वगैरह लगाना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, क्योंकि स्किन को जल्दी से ये हेल्प करता है डेवलप करने में, नरिश करने में और सूदिंग बनाने में। तो अभी मैं अच्छे से, और आप देख सकते हो मैंने जब शेव किया था तो मेरे थ्रेडिंग का भी शेप अच्छा हो गया है, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अभी जल्दी से मैं हेयर ड्राई कर लेती हूँ, हल्का से करूँगी, थोड़ा वेट रखना है क्योंकि मुझे हल्का सा शेप देना है, ट्रिमिंग करनी है, तो फिर चलते हैं वो करते हैं। तो अभी चलते हैं हेयर ट्रिमिंग करने के लिए, हल्का सा शेप दूंगी मैं। तो
किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो मैंने इनको दोनों बराबर पोजीशन में रखा हुआ है और मैं इसके ऊपर कट करूंगी। और आप कोशिश करो, आप ज़्यादा शॉर्ट नहीं करने हैं तो आप थोड़ा सा नीचे ही रखो और उसके बाद उसको कट करो। मुझे अगर शॉर्ट चाहिए तो मैंने इतना ऊपर कर लिया है और उसको मैं अभी कट कर लूँगी। फाइनली गाइस, इतने सारे मैंने हेयर अभी 2 महीने में मैंने इतने बढ़ाए थे और 2 महीने में मैंने इतने कट कर दिए हैं। अब बारी है इस बारी की। एक्चुअली मेरे पास सीज़र अच्छी नहीं है, मुझे दूसरी सीज़र लेनी चाहिए थी ना, बट कोई नहीं, ख़राब हो सकता है, कोई नहीं, मैं इधर से ही करती हूँ, मुझे दूसरी सीज़र खरीदनी पड़ेगी। फाइनली ये मैंने ये दोनों कट कर लिए हैं। तो अभी इसको सेट करने का टाइम है। वैसे ख़राब नहीं लग रहा है ना, एकदम सही लग रहा है, मस्त जैसा हेयर कट। अब इसको सेट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज, हेयर आई एम और मैंने ये कट कर लिया है और ट्रिमिंग जो भी थी वो भी कर लिया है साइड से वाली। और अभी ये लुक कैसा लग रहा है आपको, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं पूरी गंदी हो चुकी हूँ, पूरा सा फिर से हेयर्स वगैरह सब पूरी बॉडी पर गिर गए हैं, तो मैं फिर से, मुझे लग रहा है मुझे फिर से बेदिंग करनी पड़ेगी और मैं वो सब करके आपको थोड़ी देर। सो गाइज, हेयर आई एम और आप देख सकते हो मेरे हेयर का लुक और ये कुछ ऐसा दिख रहा है और अच्छे से ड्राई भी हो चुके हैं क्योंकि मैंने एक नहीं दो नहीं 3-5 घंटे का गैप ले लिया। एक्चुअली लंच करने के बाद मुझे घर का कुछ काम करना पड़ गया था, फिर मैं बेटी का टाइम स्पेंड करने लगी तो मैं आगे पैम्परिंग रूटीन नहीं कंटिन्यू कर पाई। सो इतना ही मैं कर पाई हूँ, अभी रात हो चुकी है, आपको मैं दिखाऊँ एकदम अंधेरा हो चुका है बाहर। और अभी मैं ये रूटीन वाला ब्लू वीडियो अपना यही एंड करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट सैटरडे संडे फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं और नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, उसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी और तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने बहुत कुछ सोचा था कि आज मैं सब कुछ कंप्लीट करूंगी अपनी बॉडी केयर का, बट वो भी नहीं हो पाया। मैनीक्योर पेडिक्योर वगैरह मुझे करना था, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसके लिए और पार्ट 2 बनेगा इसका। तो अभी इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूं। अगर आपको होप मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। और आपको मेरा ये लुक कैसा लगा और मैंने जो क्लीन अप किया और जो भी चीज़ें मैं करती हूँ कैसे लगती हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इसी तरीके से एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।